हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैशन स्टूडियो। आज मैं आपको इस दुपट्टे के ऊपर लेस लगाने का तरीका बताऊंगी। ये हाफ प्योर शिफॉन का दुपट्टा है जो कि मैंने क्रीम कलर में डाई कराया है। ये मैंने क्रीम कलर की ही लेस ली है इसके ऊपर लगाने के लिए। ये मैं दुपट्टा इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं इसको सब कुर्तों के साथ पहन सकूँ, जिसके अंदर भी क्रीम कलर आता है उसके साथ मैं इसको पहन सकती हूँ। तो ये लेस मैंने 7.5 मीटर ली है जो कि 35 रुपीज पर मीटर मुझे मिली है। मैं इसकी किनारियों पर ये लेस लगाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दुपट्टे को दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे नीचे से, और इसको एक सिलाई लगाएंगे। बहुत बारीक हमें बखिया नहीं रखना है मशीन का, 2 या 3 नंबर पर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा प्योर शिफॉन है जो कि बहुत ही बारीक होता है और ज़्यादा बारीक बखिये से ये कट भी सकता है। इस तरीके से हम दोनों साइड से इसको स्टिच कर लेंगे फोल्ड करके। आप पीको भी करवा सकते हैं पर मुझे ये तरीका ज़्यादा इजी लगता है। वैसे भी इसके ऊपर हमें लेस लगाई देनी है तो पीको करवाने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको मशीन से ही फोल्ड करें। दोनों तरफ से इसे फोल्ड कर लीजिए। ये दूसरी तरफ भी दुपट्टे की इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे ताकि नीचे के धागे ना रखें। अच्छे से इसको फोल्ड करके हम एक्स्ट्रा धागे काट देंगे। अब हम लेस लगानी स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। हम कॉर्नर से थोड़ी दूरी से ही लेस लगानी स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम एजेस पे बिल्कुल किनारी पे हम लेस लगानी स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए मैंने 4 नंबर पे रखा है बखिया अपना मशीन का। इस तरीके से हम सारे लेस को एजेस पे स्टिच कर देंगे। बहुत ही ध्यान से सीधी सिलाई लगाते हुए हम स्टिच करेंगे। अब ये कोना बनाना है हमें, यहाँ पे ये कॉर्नर आ गया है तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखें। इस तरीके से हम कॉर्नर बनाते हुए यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कॉर्नर बना लिया है और इसको हम कॉर्नर को अच्छे से स्टिच कर देंगे। सिलाई लेस के ऊपर भी लगाएंगे, वापस घुमाते हुए हम इस तरीके से लेस लगाना कंटिन्यू करेंगे। कोना आपको बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप किसी रफ हैंकी पे या किसी छोटे चकोर टुकड़े पर इस तरीके की कोई लेस लेके उसे प्रैक्टिस करें तो 2-4 बार लगाने के बाद आप परफेक्टली कोना बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस तरीके से हमें सारी एजेस पर लेस लगा देनी है। सीधी सिलाई मारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अब हम फिर से कोना बनाएंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहां तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद 1 इंच के करीब लेस बाहर की तरफ रहेगी, ये देखिए इस तरीके से।
इस तरीके से मैंने इसको ओवरलैप कर दिया और तिरछा घुमा दिया इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कॉर्नर बन गया। ये देखिए अब इसको वापस घुमा के सीधा स्टिच देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लेस लगाते हुए जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ना हम लेस को खींच सकते हैं और ना ही हम कपड़े को खींच सकते हैं, क्योंकि खींचने से कपड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और दोनों की मेजरमेंट्स में फ़र्क आएगा फिर, और बहुत ही ज़्यादा झोल या फिर बहुत ही ज़्यादा सिलवटें पड़ सकती हैं हमारे कपड़े में, फिनिशिंग नहीं आएगी एजेस पे। आप प्लीज़ खींचिएगा मत लेस लगाते हुए। ये फिर से मैं कोना बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अब कोना बनाने का तरीका तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे हमें कोना बनाना है लेस का। जब हम एजेस पर लेस लगा रहे हैं तो कोना बनाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, और जब हम बॉर्डर जैसी जैसे रिबन टाइप की लेस हम लगाते हैं तो कोना बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इस तरीके से हम लोग कॉर्नर बना देंगे। सीधी सिलाई से हम सारी एजेस को स्टिच कर देंगे लेस के साथ। फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे इस तरीके से। और इसको स्टिच कर देंगे अच्छे से, इसको सिक्योर करेंगे। अब ये हमारा जोड़ वाला एरिया आ गया है, यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए मैं इस तरीके से इस लेस को ओवरलैप करके थोड़ा फोल्ड करूंगी अंदर की तरफ ताकि एक अच्छा जॉइंट इस पर बन जाए। ये देखिए इस तरीके से, और इसको मैं स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से यहां पे भी सिलाई लगाएंगे और नीचे भी सिलाई लगाएंगे। अब ये जॉइंट है तो थोड़ा तो दिखेगा ही, पर हम जितनी ज्यादा सफाई से लगाएंगे उतना ही ज्यादा ये इनविजिबल हो जाएगा कि हमने जॉइंट लगाया भी है। ये हमारा जॉइंट लग चुका है। ये हमारे दुपट्टे पे लेस लग चुकी है। अब हमारा ये दुपट्टा कंप्लीट हो चुका है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेस बहुत ही सफाई से लगी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा दुपट्टा अपने लिए भी ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।